अभी छड़ दे पुत्र, छड़ दे इहदा हाथ, छड़ दे, इन्हां गल्लां च कुछ नहीं पिया आया। आप है ना, इसे अपने घर से नहीं निकाल सकते हो। अरे ये आपकी बीवी है, और आपने जो नाटक फैला रखा है ना, ये नहीं चलने वाला। ये इसी घर में रहेगी, इसी छत के नीचे, इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। और जय किसी ने इसे हाथ लगाया ना, तो समझो इंस्पेक्टर पंकुरी चौटाला से डायरेक्ट पंगा होगा। बी अवेयर। अरे मैं इसके साथ हूँ, अरे लगाओ हाथ, फिर देखते हैं। और इसे हर्ट करने के जुर्म में ना, मुझे मजबूरन आपके साथ साथ पूरी फैमिली को अरेस्ट करना पड़ेगा। छड़ दे पुत्र, छड़ दे हाथ, सारी फैमिली को अंदर कर देगी, छड़ दे। छोड़ दे अभी, वरना खामखा है ना ये लोग बात बढ़ा देंगे। मिसेस मेहरा, अब आप आराम से इस घर में रहिए, अरे विदाउट एनी टेंशन। और जे कोई परेशानी हुई ना, तो बस इंस्पेक्टर पंखुड़ी चौटाला को एक फोन घुमा देना बस, अरे बाकी तो सब हम देख लेंगे। थैंक यू सो मच। मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये सब नहीं करना चाहती थी, पर मैं क्या करती, मैं मजबूर थी। कोई नहीं था यहाँ जो मेरी बात सुन के, उसे समझ के, यहाँ तक कि आपने भी। देखिए, आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, कभी मुझे बचाने के लिए, कभी हमारे रिश्ते को। आज एक आखिरी बार साथ दे दीजिए, मैं जो भी कर रही हूँ आपके लिए कर रही हूँ। बस एक बार मुझ पर भरोसा कर लीजिए, बस आखिरी बार। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है ना, तुम मुझसे दूर जाती और ना ये सब होता। और ऊपर से ये लड़की मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है? मैं जितना इससे दूर रहना चाहता हूँ, उतना ये मेरे पास क्यों आ रही है? मैं नफरत करता हूँ इस लड़की से। अभी क्यों आई हो दादी आप? मैं आपसे बहुत नाराज हूं दादी। अच्छा भला उस लड़की को घर से बाहर निकाल रहा था, क्यों रोका आपने मुझे? पुलिस ले जाती ना मुझे, कम से कम वो लड़की तो इस घर में नहीं रहती। कैसे रहूंगा उसके साथ, जब भी उसे देखूंगा मेरा दिमाग खराब हो जाएगा दादी। शांत हो जा बेटा, ठंड रख, अभी ठंड रख। तू परेशान है मुझे पता है, पर परेशानी होने की कोई जरूरत नहीं है। वो रहना चाहती है ना यहाँ, तो हम रहने देते हैं ना, तो हम भी देखेंगे वो कैसे चैन से रह सकती है। पर बेटा अभी रुक जा, अभी मुसीबत हमारे सर पर मंडरा रही है, टेंशन है सर पर। हाँ देख, तेरी दादी इस बार तेरे साथ ही है, ना कि उस प्रज्ञा के, मेरा मतलब मुन्नी के साथ। देख बेटा, एक ही रास्ता हमारे पास, उसको यहाँ रहने दे। अगर रहने नहीं देंगे तो बात बिगड़ जाएगी और वो अच्छा नहीं होगा पुत्र। दादी, दादी कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। चिंता न कर, कोई ना कोई हम रास्ता निकाल लेंगे।
थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतनी मदद की, मेरा साथ दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आप लोगों का शुक्रिया करूं तो कैसे करूं। अरे इसमें समझना क्या है प्रज्ञा, तुमने तो मेरी सालों की ख्वाहिश पूरी कर दी अब उसे मिलने की। नहीं प्रज्ञा, थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम्हारा साथ देना, मुसीबत में तुम्हारे साथ खड़े होना, ये तो हमारा फर्ज था। और तुम्हें तो मैं तब से जानती हूँ जब से तुम स्कूल में पढ़ाती थी। लेकिन प्रज्ञा, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने ये सब कुछ जो किया उससे तुम्हें इस घर में रहने को जगह तो मिल जाएगी, लेकिन तुम्हारा पति वो तुमसे प्यार नहीं नफरत करेगा। मैं जानती हूँ, लेकिन ये भी तो जानती हूँ कि वो प्रज्ञा से नफरत नहीं करता। और अगर उनकी रक्षा करने के लिए मुझे उनकी नफरत या गुस्सा भी सहना पड़े तो ठीक है ना, कम से कम मैं यहाँ रहकर उनका ख्याल रख सकती हूँ और ये पता लगा सकती हूँ कि वो कौन है जो उन्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा। अरे प्रज्ञा जी, अगर ठाणे धार है इस मकसद में हमारी फिर से जरूरत पड़े ना, पंखुड़ी चौटाला ने एक फोन घुमा लेना बस। अरे टेंशन ना लो, हम आपके साथ हैं। आपने इतना कहा, लोगों ने इतना किया, वही मेरे लिए बहुत। समझते क्या आपने आपको मुनि, इतना जलील करके उसे इस घर से बाहर निकाला था लेकिन वापस आ गई, क्यों? यही तो सोचना है कि वो किस मकसद से इस घर में आई। कैसा लगा हमारा एक्टिंग? बोले थे ना, 100 सुनार का तो एक लोहार का। देखो तुम, देखो देखो कितना करोगी तुम, देखो देखो दिखाओगी कब? दिखा तो दी तुम, कल का कर सकते। छुटका छुटकी को तुम ले आई, हमारा उपास खराब कर दी, दिखा दी तुम का कर सकते। और हम भी दिखा दिए कि हम का कर सकते हैं, एक ही बार में सारा खेल ही खत्म। आईला तनु, तुम दोनों हमको इतना बड़ा घर में लेकर आई, इतना आराम मिला हमको, इतना सानो सौकत देखे, अब आदत लग गया, अब हम यहाँ से जाएंगे नहीं। देखो हम चाहे प्रज्ञा हो कि मुन्नी, जो भी है अब तो यही है। और देखो तुम लोग कुछ करना नहीं, कहा है ना कि अब वो महिलाएं जो आई थी एनजीओ से वो हमारे साथ है, और तो और पुलिस भी हमारे साथ है। तुम लोग देखो बैठ के सिर्फ तमाशा देखो, हाँ अच्छा होगा कि थोड़ा इंजॉय कर लो। कुछ कर तो सकती नहीं हूँ, कुछ करोगी तो पुलिस तो हमें साथ ही है ना। ठीक है चलते हैं। और सुनो, खुश मत होना सोच के कि हम चुटका चुटकी को भूल गए। भूले नहीं, हम इधर हैं। तुम लोग को एक खरोच भी आया ना तो याद रखना, तुम दोनों का सारा राज हमको पता है, जाके सीधा पुलिस को ही बता देंगे। हम फंसेंगे साथ में, तुम दोनों भी फंसोगे, समझे? और जब बोलेंगे छुटका छुटकी से फोन पे बात करा देना। अभी अभी कहाँ जा रहा है बेटा? अरे रुक जा, मेरी बात तो सुन, मुझे पीछे पीछे क्यों भुका रहा है बेटा? मुझसे नहीं भागा जाता। अरे मेरी बात तो सुन ना बेटा, सुन मेरी बात। दादी आप प्लीज मुझे मत रोकिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। सब समझती हूँ तेरे दिल में क्या बीत रही है, इसलिए बोल रही हूँ कि थोड़ा ऊपर चल, ठंडे दिमाग से मेरी बात सुन, मैं तुझे सारा समझाऊंगी। दादी अभी नहीं, मुझे थोड़ी हवा खाने दीजिए, मेरे यहाँ पर दम घुट रहा है दादी। दादी प्लीज, मैं बाहर जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा, मुझे जाने दीजिए, आप रुकिए। मेरे पापा, अभी अभी एक मिनट। ये इतने परेशान होकर घर से अकेले निकले, कहीं कुछ। दादी मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन ये सब करने के लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। इनकी रक्षा करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। मैं जानती हूँ आपको मेरी वजह से बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन ये तूने अच्छा नहीं किया मुन्नी। मेरे पोते के साथ इतना बड़ा खेल खेलने की तेरी हिम्मत हुई कैसे? कितनी बेशर्म है तू।
ये जानते हुए भी कि हम सब तेरी सच्चाई जान चुके हैं, फिर भी तू इस घर में दोबारा आ गई रहने के लिए। पर एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, मैं तुझे इस घर को और इस घर के लोगों को बर्बाद नहीं करने दूंगी किसी हालत में भी। मैं जब तक जिंदा हूं तू इस घर का और मेरे अभी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, समझ गई ना? क्यों खड़ी है मेरे सामने? दफा हो जा, दफा हो जा। चली जा। नाटक आज कोई नहीं है मेरे साथ, मेरे पति नहीं, दादी भी मेरे खिलाफ है, सबको लगता है मैं गलत हूं, झूठी हूं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अकेले ही अपनी पति की रक्षा करूंगी। वो बेशरम धोखेबाज लड़की मेरे घर में घुस आई है, वो भी मेरे ना चाहते हुए, बिना मेरी मर्जी के। तू कितनी बार बचेगा अभिषेक प्रेम मेहरा? हाँ, कल तेरी किस्मत अच्छी थी इसलिए तू बच गया, लेकिन अब नहीं। अब मैं देखती हूँ तुझे मुझसे कौन बचाएगा। अब मैं तेरा साया बनकर तेरे पीछे घूमूंगी और तुझे तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक तुझे मौत के मुंह में ना पहुंचा दूं। वो तेरी बीवी जो मौत के मुंह से बचकर आई है वो भी तुझे नहीं बचा पाएगी। मुन्नी को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ये सोच रही है कि ये मुझे डराएंगी और मैं डर जाऊंगा। मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं इसकी हालत टाइट करके इसे घर से भागने के लिए मजबूर कर दूंगा। लेकिन ये मैं क्या कर रहा हूं? अभी तो मैं खुद ही अपने घर से भाग रहा हूं, वो भी किसकी वजह से? उस ढोंगी फरेबी मुन्नी की वजह से? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। उसे तो मैं बताता हूं, मैं आ रहा हूं मुन्नी तुम्हें सबक सिखाने। इसे क्या हो गया? ये इतनी जल्दी वापस क्यों चला गया? तुमने देखा था उसका एटीट्यूड, किस तरीके से बात करके गई वो? मुझे उसके एटीट्यूड से नफरत है, वो जिस तरीके से मेरा एटीट्यूड की पड़ी है। तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती कि इस वक्त उसका एटीट्यूड नहीं देखना चाहिए, उसका गेम प्लान सोचना चाहिए, वो क्या सोच के ये सब कुछ कर रही है। कौन सा गेम प्लान? तुम्हें यार कुछ समझ में नहीं आता। कल उसको हमने घर से मुन्नी बनाकर निकाला, आज वो इस घर में वापस प्रज्ञा बन के आई। तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि जरूर उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा ना। अगर वो चाहती तो भाई और घर वालों के सामने हमें एक्सपोज कर सकती थी, हमारी सारी राज उन्हें बता सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? और अगर कर दिया होता ना तो सब कुछ बर्बाद हो जाता। यू नो व्हाट, इतना मुश्किल हो जाता ना चीजों को संभालने का, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके ना मैं चीजों को संभाल लेती। तुम? हाँ, हम खुश। उसने कोशिश भी नहीं की किसी को बताने की कि तुम और मैं उसे क्या सोचकर इस घर में लेकर आए थे। अगर चाहती तो अच्छे तरीके से बता सकती थी ना। और अगर वो यहाँ पर भाई के पैसों के लिए आई है तो सबसे पहले तो उसे तुम्हें और मुझे इस घर से बाहर निकालना चाहिए। अगर तुम और मैं इस घर से बाहर हो जाते हैं तो वो चीजों को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती है, सब पैसों को हड़प सकती है। तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब ये है कि क्योंकि उसने ऐसा नहीं किया तो शायद वो यहाँ पर भाई के पैसों के लिए नहीं आई, और अगर भाई के पैसों के लिए नहीं आई है तो किस मकसद से आई? मकसद एक ही है आलिया, वो है अभी। वो अभी से प्यार करने लगी और अपने प्यार को वापस पाने के लिए वो इस घर में आई है, यही मकसद हो सकता है। तुम चुप रहो यार। अरे कोई प्यार व्यार के लिए नहीं आई है वो, और अगर भाई से प्यार करती ना तो ऐसे घर में वापस नहीं आती, प्रज्ञा बन के आती। लेकिन जिस तरीके से आज वो इस घर में आई है ना तनु, उसके बाद भाई कभी भी उससे प्यार नहीं करेंगे, उससे इतनी नफरत करने लगेंगे कि जितनी वो ओरिजिनल प्रज्ञा जब शादी करके आई थी ना उससे नफरत करते थे उससे भी ज्यादा। सो प्यार इज आउट ऑफ क्वेश्चन, पैसे इज आउट ऑफ क्वेश्चन, तो
किस चीज के लिए आई है ये तो मैं पता करके रहूंगी। हम कैसा लगा सरप्राइज? सबसे बेस्ट सरप्राइज है आपका। मैं इस घर में इसलिए आई हूँ ताकि मैं आपके साथ आपकी परछाई बनकर हर पल रह सकूं। तो यही तक है, तुमसे शुरू तुम पे ही खत्म, मेरी कहानी तुम ही तक है, दिल को जो दे रहा है। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। मैं जानती हूँ आपको तकलीफ हो रही है, लेकिन बहुत जल्द आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी। मैं आपको कभी कुछ नहीं होने दूंगी। सॉरी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे कमरे में आने की? आप बड़ी जल्दी आ गए। बड़ी जल्दी आ गई क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा कमरा है, मेरा जब मन आए मैं आओ जाओ। आपका कमरा है, आप कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। तुम मेरे बेड पर क्या कर रही हो? मेरे पिलो पर क्यों लेटी? मेरे डॉल्स के साथ क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ मतलब आपको दिख नहीं रहा, मैं आराम कर रही हूँ। एक्चुअली आपको कन्विंस करते करते ना मैं बहुत थकी, मैंने सोचा थोड़ा आराम कर। कन्विंस करते करते से क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कोई कन्विंस वनविंस नहीं हुआ हूँ, तुम मेरी बीवी नहीं हो समझी, तुम कोई हक नहीं है तुम्हारा इस घर में, इस कमरे में। कमरे में नहीं मतलब मैं आपकी बीवी तो हूँ और हम दोनों इस कमरे में एक साथ रहेंगे। जिस गलत फहमी में तुम डूब रही हो ना उससे बाहर निकलो। वो जो तुम्हारी एनजीओ वाली आंटिया थी ना उसकी वजह से तुम घर में आई हो, इस कमरे में नहीं। देखिए इस कमरे में एंट्री लेने के लिए मुझे किसी एनजीओ वालों की जरूरत नहीं है। इस कमरे में रहना मेरा हक है और मुझे अपना हक मांगना आता है। अरे झूठी हो तुम, मक्कार फरेबी। फरेबी लोगों को कोई हक नहीं मिलता है, तुम बाहर निकलो यहाँ से। हक होता है? कोई हक वक नहीं है, तुम निकल रही हो यहाँ। मैं देखती हूँ कि इस कमरे से मुझे कौन बाहर निकलता है। मेरा फेवरेट पिलो। ठीक है आप पिलो रखिए, मैं बेड रख लेती। दोबारा कहना क्या कहा तुमने? मैं कह रही थी कि आप पिलो लेकर कहीं भी सो जाइए, मैं बेड पे सोऊंगी। अरे लूनी ट्यून, कहीं भी सो जाइए मतलब? मैं अपने बेड पर सोऊंगा, तुम निकलो बाहर। अच्छा ठीक है ठीक, ऐसा करते आधा आधा कर लेते, आप आधे बेड पे सो जाइए, मैं आधे बेड पे सो जाऊं। मैं पूरे बेड पर सोऊंगा, फैल कर सोऊंगा, तुम्हें उससे क्या कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? बाहर निकलो यहां से। देखिए आप ज्यादा गुस्सा मत कीजिए वरना मैं बेड के साथ ब्लैंकेट भी ले लूंगी। तुम लेकर तो दिखाओ। ए ब्लैंकेट को हाथ मत लगाओ, मेरा ब्लैंकेट है। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, आपकी रक्षा कर सकती हूँ। मुझे पता है आप तकलीफ में हैं, लेकिन जल्द ही आपकी ये तकलीफ भी दूर हो जाएगी। मैं आपको कभी कुछ होने नहीं दे सकती, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा। आप हैं तो मैं हूँ। आला तनु के गंदे इरादों के बावजूद आज मैं अपने परिवार, अपने पति के साथ हूँ। सारी दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मैं जानता हूं कि आप मेरी प्रज्ञा थी। ये जो नाटक आप कर रही हैं इसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होगी। मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूं कि मैं कल भी आपके साथ था और मैं आज भी आपके साथ हूं।
और आपको जब भी मेरी जरूरत पड़े बस मुझे एक आवाज लगा देना, मैं चलता हूँ। I'm sorry, पूरा। मैं चाहते हुए भी मैं कुछ नहीं बता सकती, लेकिन मैं जानती हूँ कि कोई और मेरा साथ दे या ना दे, तुम मेरा साथ जरूर दोगे। ये मेरे पति, जिन्होंने मुझे इस घर में आने की रहने की वजह दी, इनकी वजह से मैंने शादी की, इन्हें अपना बनाया, इस पूरे परिवार को अपना बनाया। आपने अगर इसे जरा भी हर्ट करने की कोशिश की ना, तो मन्ने आपको अभी के अभी अरेस्ट करना पड़ेगा, और वो भी पूरी फैमिली के साथ।